बैंकों में कार्यरत कर्मचारी और उपभोक्ताओं में तालमेल स्थापित करके उसे सुचिता पूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से आईजी रेंज नीलामजा चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया, जिसमें लीड बैंक SBI, PNB, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पूर्वांचल बैंक सहित अन्य प्रमुख बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक संबोधित करते हुए आईजी ने कहा कि बैंक एवं बैंकों में आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बैंक में अपनी धनराशि जमा करते समय ग्राहक द्वारा पैसा निकालते समय ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, अराजक तत्व से बैंकों व ग्राहकों को सुरक्षा किया जाए ताकि ग्राहक व बैंक प्रबंधक के बीच तालमेल बना रहे। और कौन सा बैंक है? कैश पेमेंट रेशियो में गड़बड़ी ICICI बैंक और उसमें छोटे छोटे इनके ब्रांचेस में होता है। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कलर भेजे। आप लोगों को आज इसलिए कष्ट देना पड़ा क्योंकि विगत करीब मेरा गोरखपुर में करीब साल भर के जो अनुभव रहा उसमें मैंने महसूस किया कि बैंकिंग सेक्टर और उससे रिलेटेड जो कस्टमर है मतलब उनके साथ या बैंक में भी फ्रॉड्स और जो क्राइम्स है चाहे वो लूट हो चाहे अन्य तरीके के इकोनॉमिक फ्रॉड हो ATM फ्रॉड हो उसकी संख्या गोरखपुर में दिन के दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आज ये हम लोग इस गोष्ठी को इसलिए बुलाए थे कि एक आपस में एक चर्चा कर लें कि बैंक की सुरक्षा उसके साथ साथ बैंक के उपभोक्ता जो है उनकी भी सुरक्षा कैसे किया जा सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी बैंकिंग में रिजर्व बैंक गाइडलाइंस के तहत दिया गया है उसका अनुपालन हम लोग सब लोग ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर अनुपालन में कोई दिक्कतें आ रही है तो क्या है और हम लोग के स्तर से और कौन कौन सी मतलब बिंदु पर कार्रवाई अपेक्षित है आप लोग के स्तर से या कुछ अपेक्षा हम लोग की भी आप लोगों से वो भी एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। अच्छी बात है लीड बैंक मैनेजर साहब यहाँ उपस्थित हैं तो मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि इस चर्चा को थोड़ा शुरू कराए कि मैं हम ही लोग बोलना शुरू करेंगे और आप लोग सुनेंगे तो ये मोटा मोटा 4-5 बिंदु है इसको आप अगले 10-12 मिनट थोड़ा इस डिस्कशन को थोड़ा मॉड्यूलेट करिए। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ समझ गया कैसे बोल रहा हूँ तो मैं फोरम आपके लिए पहले ओपन छोड़ता हूँ तो बोलिए खुल जाती तो किससे शुरू करेंगे? कस्टमर को यह उधर भटकना पड़ता है इस समय भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं मिसगाइड हो जाते हैं कुछ कस्टमर जो इलिटरेट है वो दूसरे को भेज देते हैं जहाँ भीड़ जाते हैं और दूसरे जो जितने भी रिजर्व बैंक के सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हमारी सभी भारतीय लगभग हमारे सभी में इन आर्डर हैं चाहे वो CCTV कैमरा हो चाहे ग्लास सिस्टम हो चाहे वो पुलिस गार्ड की भी हो RBI गाइडलाइन जिस जहाँ जैसे हमारी करेंसी चेस्ट ब्रांच है वहाँ सबकी पूरा ड्यूटी रहती है। आप SBI की तरफ से बोल रहे हैं ATM में चर्चा होती है और सब लोगों के उन्होंने ऐसा बोला कोई आप जैसे नहीं पाया या किसी ने ऐसा नहीं जो सोच दिया कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है
चर्चा करूंगा, आज की जो भी चर्चा हो, तो आप लोग के संबंधित बैंक के जो रूरल ब्रांचेस के शाखा है उनको भी निश्चित रूप से आप लोग उसको मतलब सर्कुलेट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्राइम पे आते हैं। जो बैंकों से पैसा निकासी के समय या एटीएम से पैसा निकासी के बाद बैंक के उपभोक्ता के साथ कोई घटना हो जाती है, उसके पैसे की छीनती हो जाती है, सबसे ज्यादा गोरखपुर में ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं। एटीएम से तो इतना नहीं होता, बैंकों से जब निकासी होती है तभी सबसे ज्यादा होता है। क्या कोई इस पर कोई प्रकाश डाल सकता है? कोई गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा, देखिए आज प्रमुख जो भी नेशनलाइज और शेड्यूल बैंक है गोरखपुर के, उनके साथ गोष्ठी की गई है और बैंक के वर्किंग के संबंध में अलग अलग सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और ये प्रयास किया गया कि बैंक और ग्राहक दोनों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कैसे किया जाए, इस पर सुझाव बैंक के अधिकारियों से मांगे गए और हम लोग के तरफ से भी कुछ पहल उनको बताया गया, जो वो अगर करेंगे तो आगे से हम लोग जो है बैंक सुरक्षा और बैंक के उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने में सफल हैं। फर्जी अकाउंट खोलने के लिए जो आधार से लिंकिंग की बात होती है बैंक में, हाँ सभी बैंकों ने ये बताया कि आज के तारीख में बायोमेट्रिक के माध्यम से KYC कंप्लीट हो रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जो है इस टाइप के अकाउंट्स जो है खोलने पे रोक आएगी और जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो सुदृढ़ होगी।